हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूं एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि कल रात ये पर्सन किस एनर्जीज में थे, किस तरह के थॉट्स में इन्होंने अपने आप को कल रात घिरा हुआ फील करा। ये चीजें देखने की, जानने की कोशिश करेंगे। बस गाइस, आपको यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना होगा, जो भी रीडिंग होने जा रही है वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि कल रात ये पर्सन किस एनर्जीज में थे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए कल रात व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज में थे। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए कल रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज में थे। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए कल रात इस पर्सन की एनर्जीज के बारे में बताइए। यूनिवर्स तो फर्स्ट वन इज अलोननेस, इंटेंसिटी एंड टोटैलिटी। ओके, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए कल रात इस पर्सन की एनर्जीज के बारे में बताइए। किस तरह के थॉट्स में घिरे हुए थे यूनिवर्स? गाइड कीजिए और बताइए कल रात इस पर्सन की एनर्जीज। द लवर्स, क्या बात है, एंड एडवेंचर, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए कल रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन अलोननेस के मामले में क्या सोच रहे थे। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए अलोननेस के मामले में कल रात इस पर्सन का क्या सोचना था। परसेप्शन, इंटेंसिटी के मामले में कल रात इस पर्सन का क्या सोचना था। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। वर्कोहॉलिक, टोटैलिटी के मामले में कल रात इस पर्सन का क्या सोचना था। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। रिजेक्शन, एडवेंचर के मामले में कल रात इस पर्सन का क्या सोचना था। सोलमेट, लवर्स के मामले में कल रात इस पर्सन का क्या सोचना था। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। विक्टिम, तो सबसे पहले एनर्जीज, हालांकि जब टैरो से कार्ड्स निकालेंगे तभी भी देखेंगे, जैसे यहाँ पे एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, यहाँ पे आपकी वर्गो और आपकी जेमिनी की एनर्जी आई है। काफी लोग ट्वेन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन में तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, थोड़े विक्टिम मेंटेलिटी के हैं। जैसे कुछ भी अगर आप लोगों के बीच में इश्यूज हो जाते हैं, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, चाहे वो छोटी से ही इश्यूज हैं, उस चीज में ये हमेशा अपने आप को ही विक्टिम मान लेते हैं। यानी कि ये हमेशा ऐसा सोचने लगते हैं कि इनकी गलती नहीं थी, फिर भी इन्हें वो चीजों के लिए सफर करना पड़ रहा है। उन चीजों का दुख, दर्द, तकलीफ इन्हें ज्यादा हो रही है, आपको नहीं हो रही है, या आपको हो भी रही होगी लेकिन इन्हें आपसे बहुत ज्यादा हो रही है, ऐसा हमेशा इनकी सोच है। ये इस वक्त में यहाँ पर यही चीजें दिखाई दे रही हैं कि आप लोगों के बीच में जो प्यार में इस वक्त में दूरियां चल रही हैं, उसमें ये अपने आप को विक्टिम ज्यादा मान रहे हैं। और कल रात इन्होंने यही माना कि इनका प्यार अधूरा रह गया, ये अकेले रह गए, यही रोते धोते रह गए, यही हर टाइम सफर कर रहे हैं, यही हर वक्त चीजों से उलझ रहे हैं, चीजों को फेस कर रहे हैं। तो कल रात ये पर्सन अपने आप को काफी ज्यादा अपने रिलेशनशिप के मामले में विक्टिम मान रहे थे, एक निर्दोष मान रहे थे कि इनका कोई कसूर ना होने की बाद भी इन्होंने ही सब चीजों को फेस करा है। ये पर्सन ना अपने आप को बहुत ज्यादा काम में घुसाने की कोशिश कर रहे थे। कल रात इस पर्सन ने अपने आप को इस थॉट से, क्योंकि इस पर्सन के दिमाग में काफी तरह के थॉट्स एक साथ
फाइट कर रहे थे, तो इन्होंने उस थॉट को अपने दिमाग से निकालने के लिए, उस थॉट को अपने माइंड से रिजेक्ट करने के लिए ना अपना फोकस पूरी तरह से काम में लगा लिया। फिर चाहे किसी भी तरह का काम हो, टीवी देखने का, सॉन्ग सुनने का, पेंटिंग देखने का, सोशलाइज करने का, फ्रेंड से बात करने का, चैट करने का, कोई भी काम हो, लेकिन इन्होंने डेफिनेटली अपने आप को इस एनर्जी से तुरंत निकाल लिया। ये कहीं ना कहीं कल रात ना अपने इस अकेलेपन को अलग नजरिए से देख रहे थे, क्योंकि बेसिकली अभी तक तो इनके साथ ऐसा हो रहा था कि ये इस अकेलेपन को एंजॉय कर रहे थे। इन्हें ऐसा लग रहा था कि ठीक है, सबकी लाइफ में होता है, रिलेशनशिप नहीं सही चला, उसमें इन्हें दुख मिला, तकलीफ मिली, लेकिन उसे ये अलग नजरिए से देख कर जी रहे थे या चल रहे थे। लेकिन कल रात ये पर्सन ना अपने इस अकेलेपन को अलग नजरिए से इसीलिए देख रहे थे कि इन्हें ऐसा लग रहा था कि सब साथ हैं, लेकिन बस यही अकेले रह गए हैं, किसी का कुछ नहीं गया है, लेकिन इनकी लाइफ में ही सारे स्ट्रगल, सारे एडवेंचर, सारी तरह की दिक्कतें, तकलीफें सब इन्हीं के लाइफ में रह गई हैं। ये उस नजरिए से अपने अकेलेपन को कल रात देख रहे थे, और इसी अकेलेपन से निकलने के लिए इन्होंने अपने आप को काम में इसीलिए जबरदस्ती घुसाया है। इस पर्सन को ना कल रात ऐसा फील हो रहा था कि इस रिलेशनशिप में ना आपने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। हो सकता है आपकी तरफ से इनके पास कोई ऐसा मैसेज गया हो, कुछ इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी साइड से इनके पास गई हो, जिसमें इन्हें ऐसा फील हो रहा था कि इन्होंने आपके लिए बहुत करा, बहुत करने के बावजूद भी आपने इन्हें रिजेक्ट कर दिया, इनके इतना करने के बावजूद। तो इस पर्सन के माइंड में इस तरह के थॉट्स भी बहुत ज्यादा चल रहे थे, और इसी वजह से अपने आप को विक्टिम मान रहे थे। ये कल रात ऐसा भी फील कर रहे थे कि इन्होंने आपको बहुत प्यार दिया, आपको अपना सोलमेट माना, आपको अपना सच्चा साथी माना, लेकिन इनके हिस्से फिर भी अकेलापन आ गया। तो आप लोगों के बीच में डेफिनेटली किसी तरह का ट्रस्ट इश्यू, किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आई है, फिर चाहे वो किसी और ने क्रिएट करी है या इन्होंने खुद से उस चीज़ों को क्रिएट कर लिया है अपने दिमाग में बार बार सोचने की वजह से। ठीक है, तो ओवरऑल इस पर्सन को यही लग रहा था कि भाई मैंने बहुत करा, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए परसेप्शन एंड अलोननेस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, और यूनिवर्स बताइए ये अपने अकेलेपन को और किस नजरिए से देख रहे थे कल रात। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। 1, 2, 3, 4 एनर्जीज यहाँ पर आई है। एरीज की एनर्जी, एरीज लियो एंड सजिटेरियस, मेष सिंह एंड धनु राशि, कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या एंड मकर राशि। यहाँ पर नंबर 9 यानी कि सितंबर मंथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए बेसिकली कल रात ये पर्सन ना आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है ना, चाहे आप मैरिज में आना चाह रहे थे या नहीं, या फिर आप ऑलरेडी मैरिज में थे, तो ये उसी मैरिज के सपने को या उसी मैरिज में ना अपने आप को अकेला फील कर रहे थे, इसी मैरिज को एक अलग नजरिए से देख रहे थे कि शादी होने के बावजूद ये अकेले रह गए, या शादी का सपना देखने के बावजूद ये अकेले रह गए, ऐसा कल रात फील कर रहे थे। इन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरी पूरी दुनिया उजड़ चुकी है, मैं अकेला रह गया हूँ या रह गई हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मतलब ओवरऑल हर विशेज मेरी लाइफ की फुलफिल हो गई हैं, ऐसा फील हो रहा था। जो इन्होंने करना था अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जितनी कोशिश करनी थी वो ये सब कुछ ऑलरेडी कर चुके, लेकिन अब इन्हें ना फील हो रहा है आपकी कमी। तो कल रात इस पर्सन को ऐसा ही फील हो रहा था कि सब चीज़ें होने के बावजूद, सब चीज़ें करने के बावजूद, आपके लिए सब चीज़ें करने के बावजूद, मेरे हाथ पल्ले ये टावर ही आया, मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई, मेरी पूरी हस्ती खेलती लाइफ उजड़ गई, ये ऐसा अपने कल रात अकेलेपन को देख रहे थे। अभी तक ये पर्सन अपने अकेलेपन को इसीलिए एंजॉय कर रहे थे क्योंकि इन्होंने अपना फोकस ना इन चीजों पर लगा रखा था, अपनी स्टेबिलिटी पर, अपने सेल्फ लव पर, अपनी ग्रोथ पर, तो इसीलिए इसे एंजॉय कर रहे थे। लेकिन कल रात अपने इसी अकेलेपन को इस नजरिए से ये देखते हुए नजर आ रहे हैं।
सोलमेट और एडवेंचर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स और बताइए इस मामले में कल रात इस पर्सन का क्या सोचना था यूनिवर्स फाइव फ्यूचर बताइए सोलमेट और एडवेंचर के मामले में वन टू थ्री फोर ओके तो यहाँ पर आया है एरीज लियो एंड सेजिटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन वृषभ कन्या एंड मकर राशि एंड जमनाई लिब्रा एंड एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि काफी ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं आप लोगों के बीच में कोई ट्रस्ट इश्यूज कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आपको इनके लिए लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाह रहे हैं और इन्हें आपके लिए लग रहा है कि आप इनकी तरफ नहीं बढ़ना चाह रहे हो और आप दोनों को बेसिकली यहाँ पर ये लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन कर गए हो, दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हो कि साथ में नई जर्नी नई फैमिली स्टार्ट करते हैं और दोनों को ही लग रहा है दोनों नहीं चाह रहे हो, ऐसा यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि काफी लोगों के बीच में ये जो ट्रस्ट इश्यूज आए हैं ना वो फैमिली ने क्रिएट करे हैं आप लोगों की। कोई भी हो सकता है भाई आप लोगों के बीच में जिसने इमोशनली ड्रामा करके जिसने इमोशनली ब्लैकमेल करके आप लोगों के बीच में जानबूझकर ट्रस्ट इश्यूज मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है तभी आप दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। साथ में अभी भी फीलिंग्स वाइज इसीलिए अटैच्ड हो क्योंकि कनेक्शन आपका ऐसा है दिल से आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो लेकिन इसी दिल को किसी ने यहाँ पर छलनी भी करा है जानबूझकर। ये पर्सन कल रात ऐसा फील कर रहे थे कि कहाँ तो ये आपके साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहते थे शांति में जाना तो जरूर था लेकिन आपके साथ इन्हें जाना था आपके साथ रिश्ते में आना था और कहाँ ये कल अपने आप ही इस स्ट्रगल को इस सिचुएशन को फेस कर रहे तो इन्हें कल रात ऐसा फील हो रहा था अपने आप को ऐसा लग रहा था कि जिंदगी के सारे एडवेंचर मेरी ही लाइफ में आ गए हैं जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो भी हर्डल्स आ रहे हैं जो भी जिम्मेदारी है वो सिर्फ और सिर्फ ये अकेले उठा रहे हैं इन्हें ऐसा कल रात फील हो रहा था। और फैमिली को लेकर अगर ड्रामा है तो उसको लेकर तो डेफिनेटली इनके माइंड में इसी तरह के थे कि फैमिली को लेकर जितनी भी जिम्मेदारी है वो सब मेरे ऊपर आ गई है। तो ये तो बात है सिर्फ और सिर्फ मैरिड लोगों की कि भाई जिन लोगों के केस में आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो उन्हें ऐसा फील हो रहा था। जो लोग मैरिड नहीं है उन लोगों के केस में यहाँ पर ये हो रहा था कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस फैमिली की वजह से इस फैमिली की जिम्मेदारी है इन्होंने जो भी अपने ट्रेडिशंस अपने जो भी रूल्स रेगुलेशंस कास्ट परंपरा ट्रेडिशंस स्टेटस जो भी आप लोगों के बीच में इश्यूज क्रिएट करे हैं ना उस मामले में ये लग रहा था कि अपनी फैमिली के इस कास्ट को इस ट्रेडिशंस को या इनकी जो भी परंपराएं हैं उसे मानने के लिए इन्हें ही लीड लेनी पड़ेगी। तो इन्हें ऐसा फील हो रहा था कि इन्हें ही ये सब चीजें संभालनी होगी इन्हें ही इन चीजों को करना होगा। तो ओवरऑल ये पर्सन कल रात देखो अपने आप को काफी ज्यादा विक्टिम तो मान रहे थे चाहे आप लोग मैरिड हो अनमैरिड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर्सन की कल रात अपने लिए सोच काफी दया वाली थी अपने आप को काफी दया मतलब अपने आप को ऐसा फील कर रहे थे कि लोग इन्हें सिंपैथी वाली नजरों से देखें ये कल रात ऐसा फील कर रहे थे। ठीक है, विक्टिम और लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए निवास और बताइए इस मामले में ये पर्सन कल रात किस एनर्जीज में थे किस तरह के थॉट्स में थे निवास गाइड कीजिए बताइए। वन टू थ्री फोर कैंसर पाइसिस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि एरीज लियो एंड सजिटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि एंड टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन वृषभ कन्या एंड मकर राशि। यहाँ पर कोई पर्सन किसी को छोड़कर गया है किसी ने किसी से मूव ऑन करा है फिर चाहे आपने करा हो या इन्होंने करा हो ये पर्सन कल रात ना भले ये खुद आपकी लाइफ से गए हों लेकिन ये उस जाने के लिए भी अपने आप को निर्दोष मान रहे थे कि सिचुएशन आप लोगों के बीच में ऐसी हुई है जिस वजह से इन्होंने इन्हें आपकी लाइफ से जाना पड़ा। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी को लेकर थर्ड एनर्जी को लेकर कोई ऐसी बात हुई है जो इस पर्सन ने सीने से लगाया है
और उस बात की वजह से आपसे मूव ऑन करे हैं। तो ये कल रात उस बात को सोच रहे थे कि इनके जाने का रीजन क्या था आपकी लाइफ से, कि भाई मैं इस वजह से आपकी लाइफ से गया या गई, मैं आपसे बेहद प्यार करता था या करती थी और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, इसकी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा ही करता या करती। तो ये कल रात इस एनर्जी में थी। तो काफी ज्यादा चांसेस हैं भाई कि इनकी मदर को लेकर आप लोगों के बीच में कोई इशू हुआ है या इनकी फैमिली को लेकर आपने कुछ बोल दिया है इनसे, जिस वजह से इन्होंने वो बात सीने से लगा ली और ये आपकी लाइफ से चले गए। तो उस मामले में ये सोच रहे थे कि भाई इनकी जगह कोई और भी होता ना तो वो भी ऐसा ही करता। वर्कोहॉलिक और इंटेंसिटी के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स और बताइए इस मामले में ये पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए वर्कोहॉलिक और इंटेंसिटी के मामले में ये पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए 1 2 3 4। भाई वर्कोहॉलिक तो आपके पर्सन काफी ज्यादा हो रहे हैं विथ दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। अगेन वर्क को ही बता रहा है। एनर्जीज यहाँ पर आई हैं टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। देखिए डेफिनेटली कल रात इस पर्सन को आपके साथ जो भी इनके पल थे ना वो बहुत याद आए। बहुत ज़्यादा जगलिंग करी है इन्होंने कि ये आपकी इस फीलिंग्स से या इस पास्ट की मेमोरी से अपने आप को कैसे निकालें, और इसी रीजन की वजह से इन्होंने काम तो करा है, यहाँ पर ये चीज़ है। और देखिए नाइट ऑफ सोर्स कार्ड भी इंटेंसिटी का ही कार्ड होता है। ये दोनों कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड्स निकाले हैं तो ये कार्ड्स आए हैं, आप ये समझ लीजिएगा। तो डेफिनेटली इस पर्सन ने आपसे अपने आप को निकालने के लिए ना, ताकि ये जगल ना करे आपके बारे में, बार बार ना सोचे, इन्होंने अपने आप को ना अपनी किसी क्रिएटिविटी में, किसी फ्रेंड से बात करने में लगा दिया है। ठीक है, रिजेक्शन एंड टोटैलिटी के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स और बताइए कल रात ये पर्सन इस मामले में क्या सोच रहे थे। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए 1 ऑलरेडी आ गया है, 2 3 4। ओके, तो यहाँ पे आया है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी है। देखो कल रात ये पर्सन डेफिनेटली सो तो नहीं पाए हैं विद दिस 9 ऑफ सोर्स कार्ड। ठीक है, काफ़ी तरह के थॉट्स इनके माइंड में आए हैं। टोटैलिटी के कार्ड से हमें ऑलरेडी पता ही चल गया था कि दिमाग में ना पूरी तरह से लड़ाई ही हुई है इनकी, और इनके माइंड में ये लड़ाई इसीलिए हुई है कि ये किसी एक डिसीजन को लेकर ये क्लियर नहीं है, इसीलिए इनके माइंड में लड़ाई हुई है कल रात। ये बेसिकली कल रात ये सोच रहे थे कि अगर सपोज बाय चांस ये आपकी तरफ अपना ईगो छोड़कर बढ़ते हैं तो क्या आप इनका ऑफर लोगे या नहीं लोगे, उस ऑफर को रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे। कल ये इस मामले में सोच रहे थे। अभी तक इनके साथ ये हो रहा था, जिसकी भी ये रीडिंग आई है इन्होंने अपना पूरा फोकस काम में लगा रखा था और इस ऑप्शन के बारे में बहुत लिमिटेड सोचते थे, लेकिन कल रात इस पर्सन ने यही सोचा कि अगर सपोज ये ईगो छोड़कर आपकी तरफ एक न्यूज़ भेजते हैं या खुद से जाते हैं कि क्या इस रिश्ते में नई शुरुआत कर सकते हैं, क्या इस रिश्ते में नई बिगनिंग कर सकते हैं, तो क्या आप इनका ऑफर एक्सेप्ट कर लोगे या रिजेक्ट कर लोगे, इस थॉट की वजह से इन्होंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड फील करा और काफ़ी ज़्यादा अपने आप को नेगेटिव थॉट्स के बीच में महसूस करा। क्योंकि बेसिकली इस पर्सन को कल रात ऐसा फील हो रहा था कि इनके इतनी बड़ी गलती नहीं थी जिसके बदले में इन्हें इतना बड़ा दर्द दिया जा रहा है। तो इस पर्सन को कल रात ये काफी ज्यादा विक्टिम एनर्जी में तो देखिए यहाँ पर डेफिनेटली थे। चलिए इनके मैसेजेस देखते हैं, ये आपसे आखिर कहना क्या चाह रहे थे। गाइड कीजिए यूनिवर्स से बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या कहना चाह रहे थे। मेरे व्यूअर्स से यूनिवर्स गाइड कीजिए बताइए क्या कहना चाह रहे थे। आखिर गाइड कीजिए यूनिवर्स से बताइए क्या कहना चाह रहे थे मेरे व्यूअर्स से यूनिवर्स गाइड कीजिए।
देखिए, ये कल रात आपसे ये कहना चाह रहे थे कि जो भी इन्होंने डिसीजन लिया ना पास्ट में, वो इनका गलत डिसीजन था, तो उस चीज पर इन्हें कल बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। कांट स्लीप एट नाइट आई थिंक ऑफ यू, तो ये तो हमें ऑलरेडी पता ही चला कि ये पर्सन कल रात सो नहीं पाए, और ये ज्यादातर सो भी नहीं पाते हैं क्योंकि ये आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। विल यू मी अगेन, तो मैंने आपको यही बोला कि ये पर्सन कल रात काफी ज्यादा सोच रहे थे कि क्या आप इनके हो जाओगे फिर से, उस मामले में कंफ्यूज थे, उस मामले में इन्हें कोई क्लियरिटी नहीं थी, तो ये आपसे यही कहना चाह रहे थे। आई वॉन्ट सी यू सो बैड, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों को मिले हुए, एक दूसरे को देखे हुए काफी वक्त हो गया है, तो ये आपको देखना चाह रहे थे। देयर आर सो मैनी अनसेड थिंग्स बिटवीन अस, तो इतना वक्त आप लोगों के बीच में ऑलरेडी हो गया है कि काफी सारी बातें आप लोगों के बीच में अब अनकही ही रह गई हैं। आर यू स्टिल वेटिंग, तो ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डाउट में थे कि क्या आप अभी भी इनका इंतजार कर रहे हो या आप इनसे मूव ऑन हो गए हो, जो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि आप दोनों को एक दूसरे के लिए ये लग रहा है ये मूव ऑन कर गया, वो मूव ऑन कर गई, तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जीज आई है। चलिए ये देखते हैं कि क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस से लौट कर आएंगे या नहीं आएंगे। तो पहले तो यस और नो में देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे कार्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, द सन गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या ये वापस से इनकी लाइफ में आएंगे या नहीं आएंगे। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए द वर्ल्ड, भाई क्या बात है, मजा आ गया। काफी ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं, आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या ज्योग्राफिकली आप दूरियों पर रहते हो। देखिए दोनों कार्ड यस को बताते हैं कि जी हाँ, ये पर्सन जो भी है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, डेफिनेटली आपके पास, आपकी लाइफ में बिल्कुल आएंगे, आपकी लाइफ में वही खुशियां फिर से आएंगी और आपकी दुनिया में जो भी अंधेरापन आ गया है, जो भी इस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं समझी है, वो सब आपको फिर से मिलेंगी। यहाँ पर ये चीजें हैं, तो यस तो पता चल गया। अब बात आती है समय की, तो देखिए यहाँ पर 19 और 21 दिन मुझे दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन के वापस से आपकी लाइफ में लौट कर आने की। अब मूनोलॉजी से देखते हैं, मूनोलॉजी आप को क्या बताती है, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया कि हाँ ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर से आएंगे, लेकिन मूनोलॉजी क्या कहना चाहती है। पहला आया है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, गाइड कीजिए यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए आप क्या कहना चाहते हो सिचुएशन के मामले में। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। तो देखिए आपसे बेसिकली इन 5 कार्ड ने भी यही बोला है कि जी हाँ ये पर्सन आपकी लाइफ में बिल्कुल आएंगे, आपका रिश्ता बिल्कुल सही होगा, लेकिन आपको यहाँ पर विश्वास करने के लिए बोला जा रहा है इम्पॉसिबल चीजों पर, और साथ में ये भी बोला जा रहा है आप जो भी चाहते हो उसे आप रिलीज कर दो, उसके लिए अटैच मत हो, उसे पकड़ कर मत बैठो, उसे रिलीज कर दो, चेज मत करो, दिमाग से भी चेज मत करो, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, और ऑनलाइन भी मत चेक करो, पूरी तरह से रिलीज कर दो। उसका रीजन ये है कि अगर आप उसे रिलीज नहीं करोगे तो आपके मन में उस चीज के लिए डर रहेगा, और आप डर, अगर आप डरते रहोगे उस चीज को लेकर, तो आप पॉजिटिव नहीं हो पाओगे या फिर आप डर को मैनिफेस्ट कर लोगे अपनी लाइफ में, तो इसीलिए आपसे रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। जो भी सिचुएशन में हो रहा है वो बेसिकली आपके कमिटमेंट का टेस्ट लिया जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। बस आपसे यहाँ पर एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है कि भाई देखो, आपको पास्ट में जो आपके साथ हुआ उसे आपको दिल में नहीं रखना है, उसे सीने से नहीं दबाकर रखना है, फिर चाहे फिर आप हो या आपके पर्सन हो, क्योंकि कल रात ये पर्सन उसी तरह की एनर्जीज में थे, जो भी पास्ट में हुआ ना उन चीजों को ये सीने से लगाकर बैठे हैं, तो इस चीज को सीने से नहीं लगाकर बैठना है
और इस रिलेशनशिप में अगर नई शुरुआत चाहिए तो एडजस्टमेंट तो बहुत जरूरी है, फिर चाहे ये भी करे और आप भी करो, दोनों को एडजस्टमेंट करना यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसा भी यहाँ पर है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हो। अगर रीडिंग आप लोगों को पसंद आती है, कनेक्ट हो पाते हैं इस रीडिंग से, तो प्लीज बताइएगा जरूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।